जिसने
शब्द का एक गीत, मिल्लत का माना अगर दीन लेते हैं तो दीन शब्द का एक गीत था, और अगर मिल्लत का माना उम्मत ले तो उम्मत शब्द की एक उम्मत थी, उम्मत इस्लाम। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक आने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 400 साल बाद तक एक ही उम्मत, और उसके बाद उम्मत ने बढ़ना शुरू कर दिया। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने तक जो तूफान नूह आया है उस जमाने तक, और खास तौर पर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1000 साल तक लोगों में कभी कोई इख्तलाफ आया ही, बाद में इख्तलाफ शुरू होते गए। और पंचायत पार्टी पार्टी आ गई नूह अलैहिस्सलाम के पास, उन्होंने कहा कि ये पांच हैं हमारे, बद, सवा, यहूस, यहूस और नसर, ये पांच उस वक्त थे, और पांच अब बाद में हमारे लोगों ने भी बना लिए, अपनी अपनी छतों पर पंजा लगा दिया, निशानी बना दी कि मैं कौन। और ये आलम पिछले दिन में एक बात करी थी, उसे सुनने में आया, कश्ती कश्ती नू, ये आपने पढ़ा होगा, ये कश्ती नू दरिया हुई है तुर्की में किसी बर्फ के पहाड़ के नीचे से, खोदा खादी करते करते बेकार लोग बैठे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अंग्रेजों को देखेगा बिला बिला कहीं ना कहीं जमीने खोद रहे हैं, नीचे से कुछ भी निकल आया, तहदीब शुरू हो गई, कोई बर्फ का पहाड़ खोदा, नीचे से लकड़ी की कश्ती बनी निकल आई, कहा कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। अभी कल मैंने एक बात सुनी, उसमें लिखा हुआ है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तख्तियों पर कुछ लिखी हुई तहरीरें थी, उनको पढ़ने के लिए अब तहकीक शुरू हुई कि ये जबान कौन सी है, अल्फाज क्या है, जिनका माना और मफहूम क्या है। तो बात अब यहां तक आ गई है, मुझे पंडित से याद आ गया कि बात यहां तक आ गई, उसमें लिखा हुआ है नूह अलैहिस्सलाम ने 75 पार के वास्ते से अल्लाह से निजात तलब की तो उनको निजात मिली। मैंने कहा कि किसी शिया ने तर्जमा किया होगा, और कोई नहीं हो सकता, अब कहां करके कई दिनों में बना दिया। आइए आज हमारी आपकी
की गर्मी, वजीफा सुन रहे हैं ना, मेरे पांच हैं जिनके जरिए मैं मुसीबतें दूर करवाता हूं पांच दिन से, अल मुस्तफा वल मुर्तजा वल हसनैन वल फातिमा। बता रहे शेर का टुकड़ा वजीफा जो है वो भी शेरों में लिया है, इन पांच के जरिए। फिर दूसरी पार्टी उठ गई, उन्होंने कहा नहीं मेरा इमाम सबसे अफजल, दूसरे ने कहा मेरा इमाम इमाम आजम, तीसरे ने कहा नहीं मेरा इमाम जो कहेगा बाकी सारे अहमद हैं शायद सिर्फ मेरा इमाम है इसको अमल। अब ये कोई ऐसी कहने की बात नहीं, बाकायदा लिखी हुई किताबों में मौजूद है मेरे इमाम का कौल बरहक, कहीं गलती इम्कान है, कहीं गलती का इम्कान है, वरना मेरा इमाम सब सच कहता है। और वो इमाम है ना सवाब, यह कर रहे हैं खता अरबी, मेरे इमाम का कौल सही है, कभी गलती का एहतमाल यानी बे भी कभी कभी, कौल इमाम है कह रहे ना खता यह कर रहे सवाब, हमसे इलावा जो दूसरे लोगों के इमाम हैं उनकी बातें सब गलत, जब ये नौबत आ गई तो दीन को भर दिया जाए। वो अगर चार आइमा हमें ले लें तो वो चारों आइमा उलमा हैं, चारों आइमा साहिब तक्वा भरा है, वो सारे दीनदार हैं, चारों की इज्जत करो इकरार करो, ये इज्जत हो रही है। मेरा इमाम सही है बाकी सब गलत, कहीं कहीं हो सकता है कि सही निकल आए, इससे बड़ी गुस्ताखी और कौन सी हो सकती है। कहने को तो लोग शुमार करते हैं कि ये जो जालियात में आते जाते जबकि सबसे बड़े उस्ताद तो खुद हैं मेरी बात कह रहे हैं, और उनकी गुस्ताखी ये है कि वो दीन को क्या कह रहे हैं गलत, दीन की बातें गलत कोई सही हो सकती और हमारे इमाम की बात सही कोई गलत हो सकती। उस्ताद वो हुए जहां पे आते हैं कि चारों ही बड़े सही है, जहां गलती हो कि उसको छोड़ दे। इमाम तो कुछ नहीं कहे, वो कह रहा है कि इमाम गलत, इमाम के अकवाल गलत, कहते हैं नहीं सारे इमाम मुअज्जर मुकर्रर, जहां गलती होगी उसको छोड़ देंगे, जो सही बातें हैं वो ले लेंगे। तो ये ना सिर्फ पहली उम्मतों ने किया, हमारे लोग भी कर रहे हैं। वतफत्तम अमरहुम बैनहुम, उन लोगों ने आपस में बांट तान कर ली, तफत्तम काट लिया, मजहब को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जमातें करा ली, कुल्लुन इलैना राजिऊन, जबकि इन सबको पलट कर हमारे पास ही आना है। कहां जाएंगे, यहां चाहे कुछ भी कहते रहे कुछ भी करते रहे, आखिर अंजाम क्या है, पलट कर अल्लाह के सामने ही जाना है। मैं कुल मैं राजा हूं, सारे के सारे पलट कर हमारे ही पास आएंगे, फिर हम हिसाब ले लेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। समय या अमल में जो आदमी नेक अमल करे मोमिन और वो मोमिन भी हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह की सारी बातें बड़ी बड़ी मजेदार हैं, लेकिन इतनी उमदा बात है कि नेक अमल करे और मोमिन हो, फला फला ना जैसा ये उसके अमल उसकी मेहनत उसकी कोशिश का इंतजार नहीं किया जाए, वो मोमिन भी हो शर्त लगाई अल्लाह ने कि अमल कबूल करेंगे मोमिन। नेक अमल उसे कहते हैं, आप देखें ईसाइयों में, आप देखें हिंदुओं में, आप देखें यहूदियों में, वो सारी कौम में नेक अमल करती है, बड़े बड़े नेक काम करते हैं, बाल काम ऐसे हैं कि मुसलमान भी नहीं कर पा रहे और वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसी शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बेहतरीन शर्त लगा दी कि नेक काम करे और वो मोमिन भी हो, फलाह फलाह ना ईसाई ही, तो उसकी कोशिश उसके अमल को हम इनकार उसके अमल का हम इनकार नहीं करेंगे। वह इन्ना लहू कातिबून, हम उसके अमल को लिख रहे हैं। माना ये हुआ कि आदमी अगर अकीदे में सही है, ईमानदार है, सलीमान में मुसलमान है, वो कोई भी अमल करेगा अल्लाह किसी के अमल को जाया नहीं करेगा, वरना हम लिख रहे हैं। अगर ईमानदार नहीं, मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं, वो जितने भी अमल करता रहेगा उसकी आदत में कोई कीमत नहीं।
تباہ کرنے کو بس کی آباد نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت کا ارشاد دیکھیں اور اس ارشاد کو چیک کرنا ہو تو آج جا کر مدائن صالح دیکھیں. مدائن صالح حضرت صالح علیہ السلام کتنا عرصہ پہلے آئے ہو گئے, ان کی نبوت, ان کی امت, وہ لوگ کتنے ہزار سال پہلے ہم سے نکل گئے. زمین موجود ہے, زمین بس تلاش ہے, پہاڑ ہیں, درمیان میں وادیاں ہیں, پوری جگہ ہیں, ہر چیز موجود ہے, لیکن ایک بھی گھر وہاں نہیں نیا بنایا. ان کے بنائے ہوئے پہاڑوں کے اندر کھودے ہوئے مکان لیکن بے آباد پڑے ہیں, کوئی آبادی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ جس بستی کو ہم تباہ کر دیں وہ قیامت تک دوبارہ بن نہیں سکتی, وہ قیامت تک دوبارہ آباد نہیں ہو سکتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے سارے اب تھوڑا اور آگے گزر جائیں, تبوک سے پہلے اور خیبر کے درمیان یہ بتائے سارے ہیں, تبوک جائیں, تبوک سے آگے مصر کی طرف جہاں سے یہ مصریوں کی وہ بابا وار با الف تبا نام کی مینا ہے سی بورڈ, جہاں مصری اترتے ہیں حاجی اور یہ تبا سے تھوڑا آگے سمندر کے کنارے پر بڑھ کر بڑھ جائیں تو سعودی عرب کا آخری کنارہ ہے سمندر کا بھی اور زمین کا آگے بھی سمندر شروع ہو جاتا ہے. اور سمندر کے آگے کہیں اردن کچھ نظر آئے گا, کہیں آپ کو تل ابیب نظر آئے گا اور آگے مصر یہ وہ علاقہ لگا ہے. اس علاقے میں جانے سے تھوڑا پہلے وہاں مدائن میں شعیب, حضرت شعیب علیہ السلام, وہ قوم جسے اللہ نے تباہ کیا, وہ اس قوم کی تباہی کا سبب کیا تھا؟ نار تول میں کمی کش ویل للمطففین, سورۃ تطفیف, ویل للمطففین, جہنم ہے, بربادی ہے, تباہی ہے, ہلاکت سے ہلاکت ہے ان کے لیے جو نار تول میں کمی کش کرتے. لینا ہے تو کلو کا, ڈھائی کلو, کلو کا سوا کلو, دینا ہے تو کلو کا پاؤنڈ کلو, لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں, لیتے ہیں تو اس وقت کلو اور ہوتا ہے, دیتے ہیں تو کلو اور ہوتا ہے. نار تول میں کمی کاٹے کے کپڑا کاٹے پانچ کلو توپ کے لیے یا سوٹ کے لیے لے تو کہیں گے کہ تمہارا سوٹ شاید شکیل میں بنے گا, کیونکہ پانچ دے ساڑھے چار دے تو درجی فوراً واپس کر دے گا, جب چھ میں بنے گا تو ساڑھے پانچ تو دے گئے نا اس میں بن جائے گا. اللہ تعالیٰ بات کرے ہمارے لوگ پھر تمہار کسی کی کام تم کر رہے ہو لیکن بےمانی کا چسکا ایسا ہے کہ اس میں سے اسے کچھ تھوڑا بہت آئے گا لیکن اصل مالک کوئی ہے, بےمانیاں یہ کرتے چلے جا رہے. تدفیر کمی بیشی ناپ میں اور تول میں, اس کے نتیجہ میں اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا. آج بھی جا کے دیکھتے ہیں انقلاب پڑے ہیں اسی طرح جیسے کبھی کچھ بول دیے گئے دوبارہ اس کی آبادی کی کوئی شکل نظر نہیں آتی قیامت تک بھی. اللہ نے فرمایا حرام اللہ کر لیا, حرام ہے, ناممکن ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی بستی کو ہم ہلاک کرے, اہلک نہ حاجی سے ہم ہلاک کرے, انا ہم لا یا جرم, وہ کبھی پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا, وہ بستی کبھی آباد نہیں ہو سکتی. ساری قسمیں ہیں, ان میں سے شرعاً کوئی چیز کی ثابت نہیں ہے. اب یہ کہا جائے کہ
फरमाया कि दो आदमी को अल्लाह नहीं बख्शेगा बाकी सबको बख्श देगा। तो दो आदमी, ये एक मुशरिक, एक माँ बाप का, बहन भाइयों का, किसी के बारे में दिल में नफरत समा के बैठा हुआ। अल्लाह फरमाते हैं कि इनको छोड़ो, जब तक ये सुलह नहीं कर रहे तब तक इनकी बख्शिश जो है इसको पेंडिंग कर दो। ये रिवायत जो है ये कहा गया कि हसन करते भी हैं और बात कहा कि नहीं, ये भी सही है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़े मुहद्दिस आलिम मिल रहे हैं शेख जुबैर अली सही, उन्होंने कहा कि ये सही है। अभी इसी साल के दौरान उनको हो गए और अल्लामा रहमतुल्लाह ने इसे हसन के दर्जे की करार दिया। यानी सही रिवायत सही सनद से ये भी साबित नहीं, लेकिन हसन कहना कुछ काबिल कबूल है। लेकिन वो भी दूसरे कह रहे हैं कि काबिल कबूल नहीं है, जिन्होंने हसन कहा उन्हें गलतफहमी हो गई। बहरहाल ये है, लेकिन इस रात को होने आती हैं आके अपने घर वालों से, कुछ घर वालों को देख के जाती हैं, बाकी किस्म के नजरियात हैं ये सारे। और बाकायदा जमात कराई जाती है, नमाज पढ़ाई जाती है, तस्बीह पढ़ाए या कुछ भी पढ़ाए, जिनका इस रात से कोई बात नहीं। और ये जो कहते हैं कि रूहें पर पर के आती हैं घर में आके देखती हैं, आदमी कभी कभी कुछ बातें ऐसे लापरवाही में बड़ी मुकद्दस समझ के क्या जाता है कि हमारी रूहें आती हैं और आके मिलके जाती हैं। शौहर जो है वो फौत हो गया, अब उसने सारी उम्र जिस बीवी के साथ गुजारी है पर अभी उसको देखने नहीं आए, देखने आया तो देखा कि वो बीवी किस शौहर के साथ चार महीने दस दिन गुजरे, उसकी इज्जत पूरी हो गई, उसने हक कर लिया, निकाह कर लिया दूसरा। अब ये अच्छा लगेगा उनको आगे किसी और के कहने के साथ कदम मिला के बैठी रहे। लापरवाही कुछ बातें जज्बात में आकर कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं कि जिनका आदमी अगर थोड़ा सा गहराई में सोचे तो अच्छा भी नहीं है, लेकिन नहीं पा जाते हिसाब में क्या कर रहे। अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों को हिदायत दे। मैंने आप लोगों को एक लिंक भेजा था, शायद आपके पास गया नहीं क्या है, किसी को किताब रजब व शाबान मेरी किताब है, उसका लिंक भेजा है, जिसको नहीं आया हो एक दूसरे को भेज लें ले लें। अरे मुसलमान मैं आपको भेज देता हूँ, और आप भेज दो क्या आपके पास भेजो, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, भेज दीजिए सबको। अल्लाह ताला मुझे आप सब लोगों को खुराफात से बचाए और जो सही इस्लामी दीन है उस पर अपनी जमीन की तकमील फरमाए। नमाज़ें पढ़िए, रात को तहज्जुद पढ़िए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए, खुद बनाए, लेकिन मखसूस अंदाज मखसूस नमाजें और ये मखसूस नजरिया ये सारी चीज़ें हैं, ये सब रोज़ों की क्या फ़ायदे हैं जी।